स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा किंगडम करने वाले हैं। पहला किंगडम जो था वो था मोनेरा, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आई बटन आएगा, वहाँ से आप देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो, या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको रेलवे एग्जामिनेशन से संबंधित आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, या फिर आपको क्लास नाइन्थ से संबंधित एक प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी का, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, चलो देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है कि किस जीवों को रखा गया है। ठीक है, तो देखो, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को। ओके, मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि मोनेरा के अंतर्गत कैसे जीवों को रखा गया था। तो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था प्रोकैरियोट्स को। कैसा रखा गया था? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको रखा गया था। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, या नहीं तो मैंने सेल नाम का एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप उसमें सेल से संबंधित जितने पॉइंट्स था मैंने उसमें सारा डिस्कस कराया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसका भी यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। ठीक है, चलो, तो जो यूकैरियोटिक सरल यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनको किस जगत के अंतर्गत रखा गया है, एक कोशिका यूकैरियोटिक जीवों को? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ओके, चलो देखो, प्रोटिस्टा जो होता है यह किंगडम मोनेरा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया के बीच के कड़ी का काम करता है। ठीक है, कहोगे कैसे, तो देखो, जो आपका मोनेरा था इसके अंतर्गत कैसे जीवों को रखा गया था? प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय। ठीक है, ये जो आपको फंगी होता है इसके अंतर्गत यूकैरियोट्स को रखा जाता है, प्लांट को जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, प्लांटी के अंतर्गत प्लांट्स को और एनिमलिया के अंतर्गत एनिमलिया को। ये जो आपका प्रोटिस्टा होता है इसमें आपका एनिमल का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा और प्लांट का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, चूँकि इसमें एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मोनेरा, फंगी, प्लांटी या एनिमलिया के बीच की कड़ी का माना जाता है। अब देखो, इस जगत के जीव का प्रचलन अंग क्या है? प्रचलन अंग कहने का मतलब किस अंग के द्वारा यह चलने में समर्थ होता है, तो इसमें चलने के लिए पाया जाता है फ्लैजिला या सीलिया। रोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी का आउटर पार्ट, जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई जीव है जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, तो इनके शरीर के सभी पार्ट में रोम के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलेंगे या फिर सीलिया बोलेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेंगे पोषण के दृष्टिकोण से कैसे होते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही कहा, जो आपका मोनेरा हो गया, ठीक है, या आपका प्रोटिस्टा हो गया, इन दोनों में जो पोषण होता है या तो स्वपोषण होगा या परपोषण होगा। अब आप हमें बताओ कि किस प्रकार के जीव में स्वपोषण होता है। देखो, स्वपोषण कहने का मतलब हो गया कि जो जीव फोटोसिंथेसिस करता होगा। ठीक है, क्या करता होगा? फोटोसिंथेसिस करता होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर चाहिए जल, फिर चाहिए आपका सनलाइट, ठीक है, और तीसरा चाहिए क्लोरोप्लास्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से हमें भी मिलता है, जल हमें भी मिलता है, सनलाइट हमें भी मिलता है, हमें क्या नहीं मिल पाता? क्लोरोप्लास्ट। जितने एनिमल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अभाव के वजह से ये अपना भोजन, यानी कि एनिमल अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जितने भी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। लेकिन प्लांट में एक ये जो पिगमेंट होता है एक्स्ट्रा पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। इसको प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्लास्टिड के अंतर्गत ही आता है। ये तीन प्रकार का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पिगमेंट की वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत जीव आते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो स्वपोषी होंगे, और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो परपोषी होंगे। ठीक है, खास करके परपोषी में इनमें सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि मृतजीवी, मृतजीव के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर पूछ लेगा कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं तो कौन से जीव में स्वपोषण पाया जाता है, तो शैवाल, है ना, जैसे कौन से शैवाल में? डाइटम में, युगलिना में। ठीक है, तो डाइटम और युगलिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें स्वपोषण पाया जाता है। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि डाइटम और युगलिना किस जगत के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है।
फिर प्रोपोशन किस में होता है, तो जो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ होता है उनमें प्रोपोशन पाया जाता है। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा इसी के अंतर्गत आ जाएगा, पैरामीशियम इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोटिस्टा से संबंधित थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है इस एमसीक्यू से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस जगत के अंतर्गत सरल यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक है, तो देखो जो मोनेरा था उसके अंतर्गत सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ओके, इनमें से कौन प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, तो देखो यू बैक्टीरिया, यूक्लिना, अमीबा और डाइटम, इसमें से कौन है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने भी बताया था जो डाइटम, अमीबा और यूक्लिना है ये आपका प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, लेकिन यू बैक्टीरिया आपका प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। आगे है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज़ करोगे, मैं इसको डिटेल बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो बात कर लूँ, मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। आप कहोगे कि सर इसमें प्रोटोजोआ भी तो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जो मलेरिया होता है इसका वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन सा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है यह मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, तो मलेरिया रोग के वाहक में इसका क्या योगदान है, तो मादा एनोफिलीज जो होता है इसके शरीर में पाया जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या पाया जाता है, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ क्या है, एक वर्ग है इसके अंतर्गत, तो और भी जीव होंगे। ठीक है, तो कौन से जीव, प्लाज्मोडियम, कौन सा, प्लाज्मोडियम, समझ रहे हो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम अगर बात कर लें मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम किस वर्ग से संबंधित है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, और प्रोटोजोआ किस जगत से संबंधित है, प्रोटिस्टा से। ओके, और प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो अगर आपसे पूछ ले मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, और अगर पूछ ले कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में आपको देखना है, अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो प्रोटोजोआ से टिक करना है, और अगर प्लाज्मोडियम दिया गया है तो आप आँख बंद करके प्लाज्मोडियम टिक कर लो। अच्छा, आपको पता है ये जो मच्छर हम लोगों को काटता है, तो आप मच्छर काटता है या काटती है, मतलब मच्छर मेल मच्छर हम लोगों को काटता है या फीमेल मच्छर काटती है। ठीक है, तो याद रखना भाई, मेल कभी नहीं काटता है, काटती कौन है, फीमेल काटती है। ठीक है, यानी कि जो लड़की मच्छर होती है वही आपको काटने के लिए दौड़ेगी, और क्यों काटने के लिए दौड़ती है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप नहीं जानते हो तो भी कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कि फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है, मेल क्यों नहीं काटता है। आगे है, अमीबा में पोषण कितने चरणों में होता है, तो देखो अमीबा में जो पोषण होता है वो तीन चरणों में होता है, कौन सा, अंतर्ग्रहण, पाचन, ठीक है, और बहिष्करण। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अमीबा में जो पोषण होता है वो तीन चरणों में होता है, पहले अंतर्ग्रहण करेगा, ठीक है, फिर उसको पचाएगा, और जो वेस्ट पार्टिकल बचेगा उसको शरीर से बाहर निष्कासित करेगा, जिसको बहिष्करण कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। किंगडम मोनेरा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया के बीच कड़ी का काम कौन करता है, ओके, तो कौन करता है, प्रोटिस्टा करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, जंतु और पौधे दोनों को गुण पाए जाते हैं, तो जो युगलिना होता है इसमें एनिमल का भी करेक्टर पाया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स का भी कैरेक्टर पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का उसमें बहुत बार पूछा गया था। अब अगर देखो स्लाइम मोल्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जो स्लाइम मोल्ड होता है, मैंने कहा था स्लाइम मोल्ड को कहा जाता है डीकम्पोज़र या अपघटक, ये जो अपघटक है हिंदी में है और डीकम्पोज़र इंग्लिश में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटक का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं मर जाते हैं, ठीक है,
तो उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और मिट्टी में मिलाने में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए इसको डिकम्पोजर कहा जाता है। किसको? स्लाइम मोल्ड को। याद रखिएगा, इनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, परपोषण पाया जाता है, और परपोषण में भी कौन सा? टिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतजीवी पोषण पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो प्रोटिस्टा संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे हमने एमसीक्यू भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है प्रीवियस वीडियो से, ठीक है। क्वेश्चन है कि पांच जगत वर्गीय प्रकरण प्रणाली किसने दिया था। इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।